आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को टेस्ट नहीं पहुंचे सर, मुझे बोलने नहीं ध्यान रखना चाहिए। ये जो ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है और बहुत सोच समझकर यह योजना लाई गई है। और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है, यूएस में है, यूके में है, वहां पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय, मैं तो आपसे ये अनुरोध करूंगा, इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए। सदन को संबोधित कर रहे हैं, मैं दो नियम रूल 349 और रूल 352 के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो प्रतिपक्ष के नेता को बोलने का तरीका आना चाहिए। 349 जो 12 है वो स्पष्ट रूप से कहता है, शैल नॉट सिट और स्टैंड विद बैक टुवर्ड द चेयर। वो लगातार आपकी तरफ पीट करके खड़े हैं, नियमों के खिलाफ है, जो उनको शोभा नहीं देता। दूसरा अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय आर्टिकल रूल 352 रूल 2 ये कहता है, मेक पर्सनल रेफरेंस बाय वे ऑफ मेकिंग एन एलिगेशन इम्प्यूटिंग अ मोटिव टू और ए क्वेश्चनिंग द बोनाफाइडी। इन्होंने पूरे विपक्ष के सदस्यों पे नहीं बल्कि इससे बाहर जाकर पूरे एक हिंदू समाज के ऊपर एलिगेशन लगाया है। इनकी बोनाफाइड गलत है, इनके खड़े होने का तरीका गलत है, सदस्यों ने तो लगाया ही है। माननीय अध्यक्ष जी, गृहमंत्री जी, नो आप डिबेट में, गृहमंत्री जी माननीय अध्यक्ष जी, शोर शराबा कर इतने बड़े वाक्या को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर SGPC का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है, आपातकाल में
पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है, लाखों लोगों को जेल में डाला है। और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था, वैचारिक आतंक कभी था तो आपका आपातकाल के वक्त था। और मान्यवर दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ, आज वो भय की बात कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि श्री राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए, न केवल सदन पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए। ये संविधान की बात कर रहे हैं सर, और इसी संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि किसी भी धर्म के ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी को हिंसावादी करार नहीं दे सकता है, और इन्होंने हिंदू का हिंसावादी कहा सर, संविधान का इन्होंने अपमान किया है, संविधान की झूठी दुहाई दी है, इनको माफी मांगनी चाहिए सर। ये आर्टिकल 25 है सर संविधान का, सर इनको माफी मांगनी चाहिए। आर्टिकल 25 जो है संविधान, और ये देश संविधान से चलता है, ये पार्लियामेंट संविधान से चलता है सर, इनको माफी मांगनी चाहिए सर। ये संविधान से ऊपर नहीं है सर, कांग्रेस संविधान से ऊपर नहीं है। आर्टिकल 25 कल्याण मरे जी बताए, आर्टिकल 25 क्या कह रहा है? आप लोग कहाँ क्या? मेरा व्यवस्था का सवाल है, इस सदन के नियमों की पुस्तिका, इससे कुछ सदस्यों को क्या मुक्ति दे दी गई है? आपके गाइडेंस के बाद भी बार बार तस्वीर बताना, पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्तधुन करना, सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं? नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब, सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। ये सदन, मेरा आपसे आग्रह है कि ये सदन ऑर्डर में रहना चाहिए, नियमों के अनुसार रहना चाहिए, ये हम सभी सदस्यों का आपसे विनंती है। ठीक है सर, एक मिनट प्लीज। माननीय सदस्यगण, आप ही किताब बताओ। और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एक आदमी सब पर भारी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। सेवाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद में अध्यक्ष, ठीक है सर, देखिए स्पीकर सर, देखिए राजनाथ सिंह जी की एक राय है, मेरी एक राय है, सच्चाई अग्निवीरों को मालूम है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है, शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है नहीं मिलता है, पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, वो उसको मालूम है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है माननीय, अब सदन के सामने दो स्टेटमेंट हुए, एक हुआ विपक्ष के नेता का, दूसरा हुआ माननीय राजनाथ सिंह जी का, रक्षा मंत्री जी का। ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है,
श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है, उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए। मान्यवर, ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है। मान्यवर, यहाँ सच बोलना चाहिए। और अगर ये नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, अग्निवीर की सच्चाई मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे रखी है और राजनाथ सिंह जी ने भी कहा है। जो रियलिटी है वो हिंदुस्तान की सेना को मालूम है, वो अग्निवीरों को मालूम है। उनके कहने से या मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई तो उनको मालूम है। उनको मालूम है सच्चाई कौन बोल रहा है। छोटा सा क्योंकि सर ये विषय गंभीर है और अभी माननीय गृह मंत्री जी ने जो बात रखे हैं कि दो स्टेटमेंट जो रक्षा मंत्री जी ने बताया सदन को और माननीय विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने जो स्टेटमेंट रखा है, इसमें इन्होंने जो कहा है कि रक्षा मंत्री बोलने से क्या फर्क पड़ता है, इतना हल्का फुल्का कैसे स्टेटमेंट दे सकते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन। इसलिए सर इन्होंने जो बात रखा है पुष्टि करना चाहिए और हम लोग भी सर नियम के मुताबिक अपना पर रखेंगे। सर और स्पीकर सर और स्पीकर सर देश की सेना जानती है, पूरा देश जानता है कि अग्निवीर स्कीम सेना का स्कीम नहीं है, पीएमओ का स्कीम है। और पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। जैसे जैसे नोटबंदी की गई वैसे ही आर्बिट्री तरीके से मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है और बहुत सोच समझ कर यह योजना लाई गई है। और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इस प्रकार की योजनाएँ दुनिया के कई देशों में है, US में है, UK में है, वहां पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए, आप इस तरीके बातें कहना चाहता है जैसे अग्निवीर के बारे में उन्होंने कहा या स्टेट के बारे में कहा, उनको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा नहीं तो माफी मांगनी पड़ेगी। यह आपका डायरेक्शन है 115(1) और 115(2), इसीलिए वो जो बातें कह रहे हैं उसको ऑथेंटिकेट करें, चाहे अग्निवीर के लिए चाहे वो किसानों के लिए कह रहे हैं। यह आपका डायरेक्शन है। विपक्ष के नेता ना तो पहली बार बोल रहे हैं मगर नियमों के पुस्तक के बाहर वो नहीं जा सकते। ये स्टेटमेंट करे कि हम कहते हैं कि किसान आतंकवादी, तो कैसे सदन में चल सकता है। माननीय आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो। माननीय हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता है। 700 और ये मोदी जी की सरकार है जिसको उत्पादन की लागत पर कम से कम 50
माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर MSP दी जा रही है और नहीं दी जा रही, ये सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय। ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। आज भी MSP पर खरीद जारी है और अभी अभी खरीद की फसलों के MSP के रेट गारंटी किए। ये बताए जब इनकी सरकार थी तब MSP कितनी, तब MSP कितनी मिलती थी और उस समय खरीद कितनी होती थी माननीय अध्यक्ष पर, उस समय खरीद कितनी होती थी। आज भी MSP पर खरीद जारी है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे, ये सत्यापित करें इसको कि MSP पर खरीद नहीं हो रही, ये सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी दी जा रही है। मैं आपका ध्यान रूल 356 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। अगर कोई सदस्य स्पीकर साहब के ध्यान में लाने के बाद इररिलेवेंट और लगातार किसी विषय को बार बार दोहराता है तो आपके पास ये अधिकार है कि आप उस सदस्य को निर्देशित करके रोक सकते हैं। आप अपने अधिकार का प्रयोग करिए। सच है। मान्यवर में लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश की पुस्तिका का 10वें संस्करण का 115वां आपके सामने उल्लेखित करना चाहता हूं। इसके क से घ तक पढ़ेंगे तो ये बहुत स्पष्ट है कि कोई भी मंत्री या सदस्य भाषण देते वक्त तथ्यात्मक चीजें रखता है और सदन के कोई और सदस्य इसको ऑब्जेक्ट करते हैं या चैलेंज करते हैं तो आसन इसको सत्यापित करने का निर्देश दे सकता है। मान्यवर, विपक्ष के नेता ने भाषण में कई चीजें ऐसी रखी जो तथ्य नहीं है, सत्य नहीं है और समय समय पर यहां से ट्रेजरी बैंक में सत्यापन की मांग की है। हम सब की ओर से मेरा आपसे निवेदन है कि इनकी स्पीच और ट्रेजरी बैंक से लिए गए सारे ऑब्जेक्शन को ध्यान में रखकर नेता प्रतिपक्ष को अपने भाषण में तथ्य बगर की और सत्य न हो ऐसी जो बातें रखी गई है इसका सत्यापन करने के लिए आपका निर्देश मिले और हमें संरक्षण मिले। सत्यापन करेंगे।